वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु की सवारी संगत जीओ। अज असी चले हाँ जयपुर, कीर्तन समागम ने, 3 दिन के समागम ने, तो अमृत वेले का बिल्कुल समा आ। तकरीबन सवेर के 5:15 हो गए ने, तो अमृतसर साहब तो रवानगी कर दिती है। तो बाकी दिन दी अपडेट्स तुहानू दिंदे आ, जयपुर के सफर ते तुहानू लै चलदे आ जी। तो पहला हुण इस वेले नितनेम कर लीए, तो बाकी फिर ज्यों ज्यों अगे चलते, हजे नेरा बहुत आ, तो थोड़ा ड्राइविंग ते कॉन्सनट्रेशन करते हैं नाले बाणी ते, तो जदों असी थोड़ा दिन चढ़ जाएगा फिर आप जी नूं अपडेट्स दिंदे आ जी। जुड़े रहो जयपुर के सफर से। जरूर पहुँच गए हाँ जी, इतों हुण दिन भी चढ़ गया, तकरीबन 8:30 का टाइम हो गया, तो नाले छकांगे थोड़ी थोड़ी चाह, ते नाले छकांगे ब्रेकफास्ट, ते नाले इत्थों रवि नूं लवांगे। हाँ सीधा ही पहुंच गया जी संगरूर, असी छकन लगे प्रशादा। भाई साहब जी लैके आए घरों प्रशादा, वो भी मेथी वाले आलू, मेथी मेथी आलू आलू मेथी की सब्जी आ, ते नाल हैगे ने परौंठे, ते घरों लैके आंदे ने। हुण असीं छकांगे नाल आ ढाबे तो लवांगे चाह, ते तुसीं लैओ चाह जाके। ठीक है, चाह पीण दा चित करदा सी, ते असीं वेख्या भी वाहवा सारे ट्रक खड़े आ, वेखो इक ट्रक 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 आखो किन्ने ट्रक खड़े आ। इस चक्कर दे विच फिर अहीं इत्थे रुके भी, क्योंकि जिहड़ा ट्रकां वाला ढाबा हुंदा ना, जिथे ट्रक ज़्यादा खड़े हुंदे चाह वधिया बणाउंदे ने। ते इह नुक्ते वाली गल भी आ, जिहड़े लोग सड़कां ते चलदे ने ना, उहनां नूं पता है ज़्यादा, ड्राइवर लोकां नूं भी, जिथे चाह वधिया पीणी आ ते ट्रकां वाले ढाबे ते रुको, जिथे बहुत ट्रक रुके ने। जी तो थोड़ा बुखार जहा लगता सीगा रस्ते च, ड्राइविंग करनी औखी हो रही थी, तो दवाई लैन गए सी, आ दवाइया लै आंदियां ने, तो हुण दवाइया खा के ड्राइव करना है क्योंकि सफ़र लंबा है। तो केड़ी देती है जी। एक अपडेट होर यह है जी, असी जिस रोड के उत्ते जा रहे हैं ना संगत जी, ये अंबाले तो एक हाईवे नवा बनया आ, अंबाले तो तकरीबन नारनौल तक, जिहड़े जाते हैं उन्होंने पता है नारनौल जगह का, यह तकरीबन तकरीबन 170 किलोमीटर पैंदा आ अंबाले तो, तकरीबन घट्टो घट उदा 210 असी पढ़िया सी, पर जे एसटीमेटिड है भी 170 समथिंग नारनौल पैंदा आ उत्थों। तो तुसी मन्नियो भी 170 किलोमीटर इन्ना साफ तो सीधा हाईवे बनया आ कि असी जिथों चढ़ना आ कितने भी, तुसी जिथों भी एंट्री करनी है तुसी उत्थे टोल टैक्स देना आ, उहदे बाद सीधा 170 किलोमीटर, या फिर जिथे तुसी एग्जिट करना है उत्थे टोल टैक्स देना है। रस्ते दे विच ना तो कोई टोल आना आ, तो ना ही ईवन इत्थे ट्रैफिक हैगी आ, बिल्कुल खाली रोड आ, एक दो गड्डियां कितें जांदियां ने कितें मिलदियां ने, तो 120 दी इहदी लिमिट आ। कढ़ लिया जी, हुण तकरीबन सानू चलदे नूं लगातार 3 घंटे हो गए ने, ते इत्थों 100 किलोमीटर हजे भी जयपुर रह गया आ, ते तकरीबन असीं 650 किलोमीटर तय कर लिया होया आ, ते अगे 100 किलोमीटर रह गया। ते एक इत्थे ढाबा आया जी, इस ढाबे दे उत्ते इत्थों दी राजस्थान दी एक खास डिश की लिखा है, तंदूरी स्पैशल रोटी लूणी घी के साथ, कोई लूणी घी बनता है इत्थे, तो कोई लूणी घी है, तो उहदे नाल तंदूरी रोटियां दिंदे ने, नाल स्पैशल दाल बाटी चूरमा, जिहड़ा इधर दा राजस्थान दा स्पैशल है, तुहानूं उह विखाउंदे आ। ते साडा उहदा मन नहीं सी प्रशादा छकन दा,
पर सोचा इतने का स्पैशल है तो तुम विखा चाहिए है, तो असं रोके हाँ तो तुम विखाने दाल भाटी चूरमा। हाँ आ गया जी साडा दाल भाटी चूरमा। ये होंगी है दाल मतलब आटे की बनी दाल भाटी, भाटी बनी होंगी आटे की, ये होंगी दाल कड़ी है, ये भी कोई दाल ही है, इन चंगी तरह चूरमा बना के खाना होंगे, तुम दिखाते कि खाई दा। जी असी हुण जयपुर च एंटर कर चुके हैं जी, शहर दे विच तकरीबन 4:30 बजे, मतलब सानू पूरे 8 घंटे 8.5 घंटे लगे आ, 9 घंटे हो गए है ना, 9 तो 3 हो गए, तो असी पहुँच गए हुण जयपुर ते तुहानू विखाने जयपुर शहर की कुछ खास इमारतां। ते इह सारा शहर पिंक पिंक है, इहनू पिंक सिटी दे नाम नाल भी जाणिया जांदा जयपुर, ते इस करके इत्थे दीआं बहुत पुरानीआं इमारतां ने, इत्थे बड़े पुराने राजिआं दे किले ने, ते वड्डी गल इह कि इत्थे लगभग लगभग सारा कुछ गुलाबी गुलाबी है जी। तुहानू विखाने हुण जयपुर दे कुछ दृश्य। हाँ जी सारा कुछ पिंक 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 होया पिया जी, वेखो सारा कुछ पिंक आ, क्योंकि इत्थे दा मेन कलर पिंक आ, वेखो पिंक कंधा। ये हैगा जी किला, ये नहीं पता इत्थे किहदा किला है, पर उच्चा बड़ा उचाई ते है, उचाई ते साफ सुथरा शहर है जी, चिटियां चिटियां बिल्डिंगा, चिटियां चिटियां ते गुलाबी गुलाबी ते साफ सुथरा शहर, थोड़ी ट्रैफिक, खुलियां सड़कां, वड्डे घर। हाँ जी गुरु किसवारी संगत जी, जिवें तुहानू पता ही है कि असी पहुँच गए सीगे लगभग 4:30 बजे जयपुर, ते आके असी फिर थोड़े थकावट हो गई सीगी, ते आके आराम कर लग गए, ते आराम करके हुण थोड़ी देर लक सीधा कीता, ते तकरीबन 7:30 दा टाइम हो गया, हुण चले जी कीर्तन करन, ते शाम दी कीर्तन दी हाजरी है, ते मैं आप जी नूं एक वारी साडे रूम दिखावां, बड़ा प्यारा तरीके नाल इन्हें रूम तैयार किया है जी। आ वेखो एंट्री गेट है, मतलब तुसीं इधर दी आउंदे हो, ते आंदे सार आ रूम आ, सामने आ वाशरूम है, ते आ बैड है, ते पर इहदे अंदर वेखो इत्थों दी फिर एक कमरा अंदर निकलदा है, ते अंदर जाके फिर एक रूम आ, ते इह बड़ा वधिया अंदर भी सिस्टम बणिआ है, ते किचन अटैच आ, ते इधर वाशरूम भी है नाल ही अटैच इस रूम दे विच, ते इधर दूजा रूम आ, तरीके ने इन्होंने रूम तैयार किया है, ते इत्थे असीं रुके हाँ, ते हुण चले हाँ जी गुरद्वारा साहिब दे बिल्कुल ओपोजिट साइड ते, इह रूम बनिया होया होटल बनिया, ते हुण असीं चले हाँ जी कीर्तन करन लई, ते आओ तुहानूं गुरु संगत दे दीदारे कराने हाँ जी जयपुर दी।